व्यूर स्टूडियो कोर सॉफ्टवेयर की तरमीम के लिए एक मुफ्त और ओपन सोर्स प्रोग्राम है जो सिर्फ टेल फाइलों का एक मजमुआ है जिसको दुरुस्त तरीके से तरतीब दिया गया है। वीएस कोड इन फाइलों को मौसर तरीके से तरमीम तजिया और इनका नजम करने में आपकी मदद के लिए एक मजबूत तरक्याती माहौल फ्राहम करता है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है जो पहली बार 2015 में नमोदार हुआ। एक लाइट वर्जन वाले क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड एडिटर के तौर पर जो हर महीने एक नई अपडेट भेजता है आज दुनिया का सबसे मशहूर कोड एडिटर है। इसे डाउनलोड करें और इस फोल्डर को खोलने के लिए इस्तेमाल करें जिसमें आपकी एप्लीकेशन फाइलें हों। इससे पहले आप आला मियार का कोड लिख सकें, आपको अपने सिंटैक्स और आइकन थीम्स को अपडेट करने के लिए ऑर्गेनाइज के आइकन पर क्लिक करके एडिटर को फैंसी बनाना होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि फाइल एक्सप्लोर इस डायरेक्टरी में मौजूद तमाम फाइलों पर मुश्तमिल है। एक फाइल खोलता है और इसके अंदर मौजूद मतन को किस तरह कोड किया जाता है। क्योंकि वीएस कोड सेंटेंस को नुमाया करने के लिए फाइल के अंदर मौजूद अलामतों का तजिया करता है और अदायगी खुद बहुत आपके कोड में मसाइल का पता लगाता है। अगर एक वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया जाता तो ये थोड़ा सा ज्यादा धुंधला हो जाता है। अगर आपका कोड मरतब नहीं करेगा और मजीद तफसीलात के लिए पर होल्ड करेंगे तो एक सुरह लकीर नजर आती है। ये कोड के ढांचे का एक हल्का भी बनाता है ताकि आप जैसे कोड की तलाश कर रहे हैं इस पर तेजी से तशरीफ ले जाएं। आप जैसे ही आप इसमें फाइल में कुछ कोड लिखना शुरू करेंगे आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आएगा। जब आप टाइप करते हैं तो प्रोफेशनल डिवेलपर शादो नजर ही हर्फ को टाइप करते हैं। वो इस कोड को खुद ब खुद मुकम्मल करने के लिए इंटेलिजेंस बमुकाबला कोड का फायदा उठाते हैं जिसे वो लिखने के बारे में सोच रहे थे। जब सही तजवीज हो ऊपर आता है तो कोड को दबाएं या इसे मुकम्मल करने के लिए दर्ज करें। आप अपने कोड पर दाएं क्लिक करके इसका तजिया करने और रिएक्ट करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन तलाश कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन कुछ भी जो आप माउस के साथ कर सकते हैं आप कीबोर्ड के साथ तेजी से कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट दबाएं ताकि कमांड पहले सामने आए। यहाँ से आप अपनी प्रोजेक्ट में किसी भी मुकाबला कोड कमांड या किसी फाइल तक तेजी से रसाई हासिल कर सकते हैं। आइए इसे टर्मिनल सेशन खोलने के लिए इस्तेमाल करें जो यहाँ नीचे कमांड लाइन को लाता है। हमें इस प्रोजेक्ट में कमांड चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि गेट इन सोर्स कंट्रोल को फॉल करने के लिए या इसे बेहतर है कि हम विजुअल इंटरफेस के साथ गेट कमांड चलाने के लिए सोर्स कंट्रोल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। वीएस कोड डिजाइन के लिहाज से कम है, लेकिन एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के तौर पर ये एक्सटेंशन पैनल से आसानी से काबिल तस्वीर है। आपको बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे तो आप जिस पर भी फ्रेमवर्क पर या लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं इसके लिए मखसूस टूलिंग फ्राहम करते हैं। ज्यादातर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उस सलाहियत में क्लाउड के साथ काम करते हैं। रिमोट बटन आपके एडिटर को रिमोट गिट हब रिपोजिटरी और डिवेलपर कंटेनर या क्लाउड सर्विस के साथ जोड़ सकता है और किसी भी मशीन ब्राउजर से आप तक रसाई के लिए क्लाउड में खुद ब खुद मुकाबला कोड भी चला सकते हैं। ये 100 सेकंड वीएस कोड की वीडियो है। लाइक बटन को दबाएं अगर आप इस तरह की मजीद मुख्तसिल वीडियो देखना चाहते हैं। तो अगर आप वाकई एक डेवलपर के तौर पर अपने डेवलपर सलाहियत को बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने अभी प्रोग्रामिंग पर एक बिल्कुल नया कोड जारी किया है। इसमें इब्तदाई और आला दर्जे के डेवलपर की सलाहियतों के लिए मौसर है। देखिए, पसंद करिए, तबसरा करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।